एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक केक रेसिपी। और ये केक रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ये स्पेशली इस लॉकडाउन के समय में आप ज़रूर बनाकर आप भी खा सकते हो, आपके बच्चों को भी खिला सकते हो। किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, आप इसको बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। तो चलिए आइए हम लोग केक रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए हम बनाना शुरू करेंगे केक की रेसिपी। उसके लिए मैंने ये कुकर लिया है और कुकर में ये जो जाली रहती है जो हम लोग यूजुअली कुकर में रखते हैं, इसको मैं डालूँगी। और मैं कुकर को एक 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूँगी फास्ट गैस पर। आप देख सकते हैं मेरा गैस फास्ट है, इसको मैं प्रीहीट करूँगी फास्ट गैस पर। इसको मुझे ढक करके 10 मिनट्स रखना है फास्ट गैस पर प्रीहीट होने के लिए। तो ये जो इसके अंदर का वाइसर होता है उसको मैंने निकाल दिया है और इसको निकाल करके मैं इसको बंद करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। और मुझे ये विसल भी नहीं चाहिए इसके अंदर। सो आई विल रिमूव दिस गैस पर। ठीक है, इसको 10 मिनट्स अभी प्रीहीट करेंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास है ये पाउडर्ड शुगर जो मैंने बनाकर रखी है, और ये मेरे पास ओरियो के बिस्किट्स, ये तीनों बिस्किट्स मैं इसके अंदर पीसेस करके डालने वाली हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरीके से बिस्किट्स को पीसेस करके इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी मैंने शुगर इसलिए डाला है कि मेरे को मीठा चाहिए, लेकिन अगर आपको मीठा नहीं चाहिए तो आप शुगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। आप आपके हिसाब से इसको शुगर क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिए हैं, ये 120 ग्राम का एक पैकेट है। सो ये देखिए मैंने इसको पूरा पीसेस करके डाल दिया है और ये ओरियो का चॉकलेट फ्लेवर है। अब मैं इसको पाउडर्ड में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए तो इसके हो गया एकदम पाउडर्ड फॉर्म में। और ये है 1 कप मिल्क जो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। सो ये मेरा केक टिन। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस करके रखूँगी और फिर इसके अंदर मैं बैटर पो करने वाली हूँ। उसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं इसको थोड़ा मैदा से स्प्रिंकल करूँगी सो कि मेरा केक साइड्स में चिपके नहीं। ये देखिए मैंने इसको स्प्रिंकल कर दिया है मैदे से। अब मैं इसमें बैटर पोर करूँगी, लेकिन बैटर पोर करने से पहले मुझे इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। सो ये है बेकिंग पाउडर, दिया।
आप देख रहे हो इस पर छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, ये एयर बबल्स है, इसको निकलना बहुत ज़रूरी है वरना आपका केक अच्छे से बेक नहीं होगा। हो गया, अब मैं इसको रखूंगी मेरे प्री हीट पे कुकर के अंदर। देखिए मैं इसको अभी रख रही हूँ मेरे प्री हीटेड कुकर में, मैंने इसको अभी बंद कर दिया। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। मुझे 20 मिनट्स के बाद चेक करना है कि मेरा केक बेक हुआ है या नहीं अच्छे से, बट 20 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और 5-10 मिनट्स बेक करेंगे। मैं इसको मीडियम से भी थोड़ा लो रख रही हूँ बिकॉज़ हम लोग ने इसे ऑलरेडी एक बार प्रीहीट कर रखा है, तो मैंने इसको एकदम लो पे रखा है। आप देख सकते हो मैंने इसको प्रॉपर लो फ्लेम पर रखा है सो कि मेरा केक जल ना जाए, और मैं 20 मिनट्स के बाद इसको भी चेक करूँगी। ये देखिए मेरा केक, इसको एक्चुअली बेक होने में लगा है मेरे को आज 35 से 40 मिनट्स। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा नाइफ पूरा क्लीन निकला है, मेरा केक अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, सो अभी मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी और इसको ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। तो ये रहा मेरा फाइनल केक जो बेक हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्पॉन्जी हो गया है, ये देखिए ये काफ़ी स्पॉन्जी हो चुका है। अगर आपको मेरा केक पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका केक कैसे हुआ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।